सुमन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल। मैं हूं आपके साथ चरण सिंह डागोर। अभी हम हैं जिला अस्पताल में, जहां सुमन ने 25 साल की उम्र में ही अपना दम तोड़ा और उसको अब उसमें नया मोड़ आया है अभी कि उसके पियर पक्ष के उस डेड बॉडी को अपने अलीपुरा गांव में ले जा रहे हैं। और मैं आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से ये दिखा दूं, काफ़ी भीड़ है और डेड बॉडी के लिए एम्बुलेंस भी आ गई है। और मैं उनके ही गांव के सरपंच साहब से बात कराऊंगा। आपकी सरपंच साहब, क्या रहा इसमें, क्या निष्कर्ष निकला इसमें? बात कर रहे हैं अभी। अच्छा, बता रहे हैं कि उसको अलीपुरा ही लेके जा रहे हैं। लेके जाएंगे क्या? तो गए यार, देखो नहीं, कोई यहाँ छोड़ जाएंगे तो बताओ। नहीं, काफ़ी तो वो पंचायत वगैरह चली थी तो उसमें कुछ निष्कर्ष नहीं निकला था। वैसे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसी के जहाँ शादी करते हैं अपनी बच्चियों की, तो उसको वहीं अपने के अनुसार कहीं मारने का अधिकार है क्या? नहीं, वो तो बात सही है। नहीं, बिल्कुल सही है। मारपीट करना, मारपीट करने के बाद में उसको इलाज भी नहीं कराना, ये कोई हिंदू रीति रिवाज में है? बिल्कुल सही है। कोशिश कर रहे हैं परिवार वालों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? ये भी तो कह रहे हैं कि जो उसको मारपीट हुआ उसको हॉस्पिटल रखा, यहाँ से जयपुर रेफर किया, क्यों? खाना या परिवार? खाना ही रिवाज। अच्छा, उनके परिवार जाने कोई भी नहीं आए? जलाने के लिए तो रिवाज हो गई है, इलाज कराना कोई रिवाज नहीं है क्या? दिखाना कोई रिवाज नहीं है? सीरियस है? यहाँ से जब हिंडोन हॉस्पिटल में रही, हिंडोन से जयपुर तक रेफर हुई है, वो भी बात खाना ही रिवाज? ये बात कर रहे हैं ना वो पार्टी? बिल्कुल वो भी देख रिवाज है। और मैं आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से उनकी एक, आप उनकी सिस्टर लगती है, क्या लगती हैं, बहन है? आप तो साथ में थी ना जयपुर तक, तो आपसे बात करी क्या उन्होंने? नहीं। ना। आप उनसे छोटी हैं बड़ी हैं? मैं दोनों से छोटी हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? रेनू। तो आपसे जब मतलब जैसे वो हुमीखेड़ा से आई या ऐसे जिला अस्पताल हिंडो में भर्ती कराया था तो उनका बिल्कुल बोल चाल बिल्कुल बंद थी? नहीं, उनके गांव से ही ऐसी लेके आए थे। अच्छा, कौन कौन लेके आए थे? मेरी वो से बड़ी दीदी थी। अच्छा, और मेरे जीजाजी। हाँ हाँ, फिर यहाँ से रेफर कर दिया? हाँ, से रेफर कर दिया जयपुर में भी नहीं बोली। अच्छा, अब उनने जो तुम्हारे जीजाजी लगते हैं उनने किस पे आरोप लगाए ऐसे बता रहे हैं आप? अच्छा, और फिर ये क्या लगती हैं, ये तुम्हारी भाभी जी वगैरह क्या है? अच्छा, मामी जी हैं। इनका कहना है कि वो लोग कुमीखेड़ा में जो ये ब्याही थी तो वो सारे गांव वाले चले गए और वो रुके नहीं, और सरपंच साहब का कहना है कि वो समझाइश कर रहे हैं। जो पोस्टमार्टम करने के बाद में भी पोस्टमार्टम 5 डॉक्टरों की कमेटी है वो अंदर पोस्टमार्टम कर रही है। एम्बुलेंस लगी हुई है मोर्चरी के सामने। अभी अंदर ही चल ही रहा उनका है ना पोस्टमार्टम? सुनो, आप तो भाई हैं ना उनके? हाँ जी। तो आपका क्या कहना है, अभी कहाँ लेके जा रहे हैं इस डेड बॉडी को? हमारे गांव ले जा रहे हैं, अलीपुरा। अलीपुरा तो इसमें काफी देर तक तो बातें हुई नहीं, सर्व समाज के लोग आए थे? अच्छा। आपके यहाँ
मीखेड़ा से, तो क्या रहा उसमें? क्या रहा? कुछ नहीं रहा उसमें, ये डिसीजन है, अली प्राई जाएगी। अच्छा, अली प्राई जाएगी। और फिर दोस्त आपने क्या कंप्लेंट लिखाई है? जैसे कंप्लेंट लिखाई है, जो साहब को कॉपी पहुंचा दी मैं थाने में। बिल्कुल। उसमें दो लड़कों का नाम है, प्रवीण और रवि। प्रवीण और रवि। अच्छा, और आगे क्या होगा वो तो बिल्कुल बिल्कुल रिपोर्ट में आएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी। बिल्कुल। आपका नाम? राजेश कुमार। राजेश कुमार। और पापा का नाम? रामपाल। रामपाल। बिल्कुल, आप ले सकते हैं इनसे। जो एप्लीकेशन दे के आए हैं उसकी फोटोकॉपी है क्या आपके पास? अच्छा अच्छा, इसकी फोटोकॉपी दिखाने ही हुआ है ना। दो करवाइए ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, सीधी कर दो हम तो सीधी। हम और वे लाए हैं एक बार उसको। हाँ हाँ, सर आप बता सकते हैं क्या इसमें क्या चीज, क्या मामला हुआ है इसमें? और इस रिपोर्ट दी है इसकी लड़की के बहन भाई ने। अच्छा, तो मुकदमा दर्ज कर दिया। और फिर इन्वेस्टिगेशन होगा, मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद क्या जा सकता है। अभी ये डेड बॉडी जैसे वहाँ ले जा रहे हैं, तो इसमें कोई आपत्ति किसी को? हमें क्या पता आपत्ति का, तो आपत्ति का हमें क्या पता। बिल्कुल, हमें तो कानून के हिसाब से उसके मृतक के चाहे उसके परिजनों को मतलब देनी होती है, उनके भाई को दे रहे हैं। बिल्कुल, बाकी रजामंदी जहाँ भी जाए चाहे हमें कोई। बिल्कुल, धन्यवाद।